काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी। झांसी के कस्बा पूछ स्थित भगवान मायानंद गुरुकुल आश्रम इंटर कॉलेज में आज दीपिका सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 2 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। झांसी से आए मार्शल आर्ट शिक्षकों द्वारा विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए गुण सिखाए गए। प्रशिक्षण के प्रथम दिन अभ्यर्थी छात्राएं काफी उत्साहित देखने को मिली। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर अम्बेश यादव ने बताया कि समाज में महिलाएं एवं बच्चियों को सामाजिक ज्ञान शिक्षा के साथ उनकी आत्मरक्षा के गुण भी मिले, ताकि समय आने पर महिलाएं अपनी इस शिक्षा का उपयोग कर सकें। वहीं दीपशिखा वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष आराधना नामदेव ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं छात्राओं को सशक्त बनाया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से उप निरीक्षक रमाशंकर तिवारी एवं उमाशंकर नामदेव, भगत सिंह यादव, भारत सिंह आदि मौजूद रहे। मैं आराधना नामदेव, दीपशिखा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष। मैंने 2 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण रखा है, जिसमें क्षेत्र की लड़कियों को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि अब झांसी में भी महिलाओं से संबंधित कई घटनाएं घट रही हैं, उनको देखते हुए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ही ज़रूरी था, जिसके चलते मैंने ये दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें ट्रेनर बुलाए हैं झांसी से, जो कि लड़कियों को अब सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे और उन्हें एक इससे प्रेरणा आएगी। चूँकि एक छोटे क्षेत्र से, एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें लड़कियाँ और खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, बट प्रशिक्षण के बाद देखा जाएगा कि लड़कियां खुद में कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं और उन्हें कहीं भी आने जाने में किसी भी प्रकार का डर या परेशानी ना हो और आगे भी बढ़ सकें, वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ भटके ना बल्कि आगे जाएं। इसको देखते हुए दीपशिखा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इस कॉलेज का डायरेक्टर भगवान मायानंद इंटर कॉलेज। आज यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम? आज हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत यहाँ पे 2 दिवसीय जूडो कराटे का कार्यक्रम स्कूल में आयोजित किया गया। और ये हमारा जो कार्यक्रम का रहा, हमारे मित्र उमा शंकर नामदेव जी, आपके विशेष से के जो दीपशिखा वेलफेयर सोसाइटी है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसा विचार हम लोगों का बना, जब बताया हमें उमा शंकर जी ने कि भाई साहब ऐसा है, तो ये कार्यक्रम भी चल रहा है इस समय बराबर महिला सशक्तिकरण का, तो बस बच्चियों को, कॉलेज की बच्चियों को बताने के लिए, सिखाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। झांसी पूंछ से उमाशंकर नामदेव की रिपोर्ट। अरे यार, जो सशस्त्र चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुनो, तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.